भारतीय जनता पार्टी वार्ड क्रमांक 47 के मुंबई स्थित मलाड पश्चिम के कपोल बैंक्वेट हॉल में पूर्व नगर सेविका जया सतनाम सिंह तिवाना के द्वारा 17 सालों से होता आया कार्य अभी भी जारी है, जहां पर जया तिवाना द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को फ्री लॉन्ग नोटबुक वितरित किया गया या फ्री में बच्चों को नोटबुक वितरण किया गया। इस दौरान इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना, जहां पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहां पर विद्यार्थी मौजूद हैं और विद्यार्थियों को फ्री नोटबुक वितरित किया जा रहा है। वहीं इस दौरान दसवीं में अच्छे परसेंटेज लाने वाले 3 विद्यार्थियों को पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी के हाथों मेडल पहनाकर और शॉल उड़ाकर भी स्वागत किया गया। जया सतनाम सिंह तिवाना एक ऐसी नगर सेविका में जानी जाती हैं जो जनता के लिए कार्य करने में हमेशा ही अग्रसर रहती हैं। वहीं नोटबुक वितरण के दौरान भी घर घर जाकर जिन्हें जरूरत है ऐसे लोगों की लिस्ट बनाकर उन्हीं विद्यार्थियों को, यहाँ पर हजारों बच्चों को बुक वितरित किया गया। तो इस दौरान देखिए मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी, तेजिंदर सिंह तिवाना और जया तिवाना का। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मुंबई के अध्यक्ष तेजिंदर तिवाना, हमारी वार्ड की नगर सेविका जया बहन और भारत विकास परिषद के SS गुप्ता जी और उनके सभी साथी सहयोगियों के माध्यम से हर साल स्कूली बच्चों को नोटबुक वितरण, निःशुल्क नोटबुक वितरण किया जाता है। इस साल भी करीब 700 बच्चों को यहाँ पर देने का काम हुआ है और 3 बच्चे जिन्होंने बहुत ही अच्छा मार्क 10वीं के परीक्षा में लाया उनका यहाँ पर सम्मान भी किया गया। इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों के मन में एक आत्मविश्वास बढ़ता है, एक अपनापन की भावना लोगों के मन में पैदा होती है। बच्चे आते हैं, पेरेंट आते हैं और मैं मानता हूँ कि पूरे मुंबई शहर में बड़े पैमाने में होता है लेकिन पूरे देश भर में इस प्रकार का कार्यक्रम होता है। उत्तर मुंबई की एक अलग विशेषता है कि यहाँ पर हर वार्ड में, हर विधानसभा में हमारे नगर सेवक, हमारे विधायक सारे लोग मिलकर काम करते हैं। आने वाले दिनों में उत्तर मुंबई की ताकत और बढ़ने वाली है क्योंकि पीयूष गोयल जी केंद्रीय मंत्री हमारे साथ में है, तो बच्चों की जो भी आवश्यकता, भगवान करे किसी को कोई कमी ना हो, लेकिन अगर कम होता है तो भी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ में खड़ा है। इस प्रकार का एक चित्र हम उत्तर मुंबई में खड़ा करेंगे। मुंबई में बच्चों के रिजल्ट काफी अच्छे आए, उनको आपके हाथों से काफी लोगों को सम्मान भी किया गया और जिस तरह से यहाँ पर बच्चे बैठे हैं उनके लिए आपका सोचना किस तरह आप सोचते हैं? मैंने वही अपने भाषण में ये कहा कि इन दिनों में बच्चे पढ़ाई इतना अच्छा करते हैं, 90, 95, 98% तक मार्क लाते हैं। मुंबई महानगर पालिका के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी बहुत अच्छा काम इन दिनों में कर रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि हमारे बच्चों को ये पता चल गया है कि जो पढ़ेगा लिखेगा वही आगे बढ़ेगा। क्योंकि मोदी जी जिस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से, पढ़ लिख कर जब वो तैयार हो जाएंगे तो उनको काम मिलेगा और काम के सही दाम भी मिलेगा। इस प्रकार का चित्र पूरे देश में निर्माण होते जा रहा है, ये बच्चों के दिलो दिमाग में गया है ऐसा लगता है जो मार्क ये ला रहे हैं। और ऐसे सारे बच्चों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुभेच्छा देते हैं, शुभकामनाएँ देते हैं। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनको किसी भी चीज़ की कमी ना पड़े आने वाले दिनों में। देखिए हमारे आदरणीय सांसद श्री पीयूष गोयल जी, उनका हमेशा ये विजन रहा है कि जो देश का उज्जवल भविष्य है हमारे देश के बच्चे, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कुछ ना कुछ मदद या उनके उज्जवल भविष्य के लिए कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम ये हमें ज़रूर करना चाहिए अपने कार्यकाल में। और बहुत ही उत्साह की बात है कि आदरणीय जया तिवाना जी जो नगर सेविका है वार्ड क्रमांक 47 की और जो पूरे वार्ड के भारतीय जनता पार्टी की टीम है, ये सभी मिलकर हर वर्ष जो वार्ड के ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके घर पर जाकर माता पिता से मिलकर उनसे बातचीत करके हर वर्ष कूपन देकर निःशुल्क ऐसे उनके पढ़ाई में काम आए ऐसे बुक्स, चाहे वो छाता वितरण हो, चाहे वो उनके सैंडल्स वितरण हो। तो गटर गली रास्तों के काम के साथ साथ हम अपने जो परिवार जन के तरह, जो रहवासी है वार्ड क्रमांक 47 के, उसे एक परिवार के तरह देखते हैं और परिवार में अगर कुछ कमी हो तो उसे पूरा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। और आदरणीय गोपाल शेट्टी जी हर वर्ष इस कार्यक्रम में आकर इसकी शोभा बढ़ाते हैं और इस वर्ष भी वो आए आदरणीय गोपाल शेट्टी जी, और आने के बाद उन्होंने एक जो उत्कृष्ट नंबर लाकर, जो अच्छे अंक से, जो अच्छे परसेंटेज से इससे युवक युवतियाँ जो पास हुए अपने एग्जाम्स में, उनका सत्कार भी किया, उनका सम्मान किया।
तो ये अपने आप में हम सभी के लिए अभिमान की बात है कि हर वर्ष जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे परिवार का हिस्सा है वार्ड क्रमांक 47 के, उनका ध्यान रखते हुए विशेष निःशुल्क उन्हें बुक का वितरण किया जाता है। आप एक युवा नेता है और काफी ऊर्जावान भी है, जिस तरह से आप एक्टिव रहते हैं, जब तो बच्चों को क्या उनके उज्जवल भविष्य के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे और मलाड के जो बच्चे हैं, मलाड के जो उज्जवल भविष्य है उनके लिए क्या कुछ आप सोचते हैं, क्या आगे और भी आप करेंगे? मैं जो हमारे मुंबई के युवा साथी हैं, महाराष्ट्र के युवा साथी है, भारत देश के युवा साथी है, उनको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वो भारत देश को विकसित करने में अपना संकल्प ले रहे हैं, भारत देश के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम युवकों का भी एक योगदान भारत देश के उज्जवल भविष्य में आए, ये अपील मैं हम सब युवकों से करना चाहता हूँ। कम से कम 17 साल हो गए, हर साल में अलग अलग जगह पे करते हैं, कंटिन्यू या 7 साल से यह कर रहे हैं, कोली समाज के वहाँ किया हुआ है और भी जगह पे किए हुए, बहुत सारी जगह पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुछ ना कुछ बच्चे लोगों को हम हमारे तरफ से थोड़ा देते रहते हैं। और भारत विकास परिषद तो आज मेन जो मेरे गॉड फादर है एस एस गुप्ता सर, उन्हें आए हुए दोनों ही उनके भारत विकास परिषद, उनके तरफ से मुझे हमेशा एस एस गुप्ता सर मेरे लिए एक हिस्सा बाजू में करके रखते हमेशा ही, और हम हमेशा ही उनको लग के मेरा अपना मिक्स करके हम सभी गरीब को बच्चे लोगों को ये सभी एरिया में करते हैं ऑल मलाड, लेकिन मैं पर्टिकुलरली मेरा अपना 47 का उनका मेरा मिक्स करके कर देते, उनका भी नाम बोलते कि भाई इनने भी आपको मदद किया। और सर हमेशा ही भारत विकास परीक्षा तो करती है, लेकिन इंडिविजुअल का सर मेरे लिए गॉड फादर है, वो मेरे लिए कभी भी बच्चों का फीस भी बोले ना तो ना नहीं बोले, अभी इनके भी पाँच फॉर्म भर के दिए, सर ने भी एक का किसी का दिया है, जो गरीब परिस्थिति है जिसको अभी हमारे यहाँ दिल्ली में करके उसका पति नहीं है, वो पहले से अपने मम्मी के घर पे रहती है, बच्चे को 10वीं पास हो गई अभी, तो ऐसे गरीब बच्चे हैं जिसको कोई भी नहीं है, ऐसे बच्चों को खास करके हम देते हैं कि जिनका पीछे आगे कोई ज़्यादा नहीं कमाने वाला है।